उस होली की रात मैं अपने नकली दांत भूल गई थी लगाना। जब मैं वापस घर गई तो ना मेरे पास चश्मा था और ना मेरे पास वो नकली दांत थे। वांशा गुन अकेली थी। इन सारी चीजों में मैंने ही मनी को ब्लैकमेल किया था कि वो मेरी हेल्प करे। शगुन ने मुझे देख लिया था और वो चिल्लाने लगी, पुलिस को कॉल करने के लिए जा रही थी। मैंने उसे धक्का मारा और पेट के बल गिरी। क्या शगुन पेट के बल गिर गई? इस हालत में तुमने उसे क्या हुआ शगुन को बताओ? हाउ डू आई डोंट केयर कि वो ठीक है कि नहीं, मुझे इससे क्या मतलब। मैं जितने उसके पास जाने लगी उसको ब्लीडिंग चालू हो गई थी। मैं तो उसे मार भी देती लेकिन वो कमरे के अंदर घुस गई। इतने में रमन आ गया, शायद उसी ने फोन करके बुलाया होगा। वहां पर रमन आ गया और मेरे को मौका देखकर वहां से भागना पड़ा। पार्किंग लॉट में मैंने रमन की गाड़ी देखी। मेरे पास गाड़ी की चाबी नहीं थी, इसलिए मुझे पेन की कैप से उसे गाड़ी को खोलना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि रास्ते में बंदूक मिलेगी और वो एक्सीडेंट था। मैंने बंदूक को नहीं मारा, वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गई तो मर गई। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हें निधि। पता है इतना दिली सुकून मिला है मुझे तुम्हें इस हालत में देख के। आज जब तुम्हारी जान पर आई तो कैसा लगा तुम्हें? क्योंकि जब दूसरों की जान के पीछे तुम तुली होती हो तब तुम्हें तो कुछ फील भी नहीं होता। क्यों करती हो तुम दूसरों के साथ ऐसा? हाँ, मरने से डर लग रहा है? थैंक यू बोल दो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारी जितनी निर्दयी नहीं हूँ। जो इंजेक्शन लगाया था उसमें ग्लूकोज था, जहर नहीं। तुम नहीं मरोगी, तुमने मुझे। लेकिन अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो निधि। तुमने मेरी अक्का को क्यों मारा? मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। मुझे पुलिस ने बताया रमन की कार में एक पेन की क्लिप मिली थी, वो तुम्हारे पेन की क्लिप थी। कार उस रात तुम चला रही थी, क्यों क्यों मारा मेरी अक्का को तुमने? मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, बोला ना, वो गलती से हुआ था। जस्ट शट अप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया। इस औरत को लेकर तो जाइए, आपकी मुजरिम है ये। लेकिन उसके पहले ही मेरी अम्मा को बताएगी कि इसने मर्डर क्यों किया मेरी अक्का का। बोलो। उस होली की रात मैं अपने नकली दांत भूल गई थी लगाना। जब मैं वापस घर गई तो ना मेरे पास चश्मा था और ना मेरे पास वो नकली दांत थे। वांशा गुन अकेली थी। इन सारी चीजों में मैंने ही मनी को ब्लैकमेल किया था कि वो मेरी हेल्प करे। शगुन ने मुझे देख लिया था और वो चिल्लाने लगी, पुलिस को कॉल करने के लिए जा रही थी। मैंने उसे धक्का मारा और पेट के बल गिरी। क्या शगुन पेट के बल गिर गई? इस हालत में तुमने उसे क्या हुआ शगुन को बताओ? हाउ डू I don't care कि वो ठीक है कि नहीं, मुझे इससे क्या मतलब। मैं जितने उसके पास जाने लगी उसको ब्लीडिंग चालू हो गई थी। मैं तो उसे मार भी देती लेकिन वो कमरे के अंदर घुस गई। फोन करके बुलाया।
आया होगा। वहां पर रमन आ गया और मेरे को मौका देखकर वहां से भागना पड़ा। पार्किंग लॉट में मैंने रमन की गाड़ी देखी। मेरे पास गाड़ी की चाबी नहीं थी, इसलिए मुझे पेन की कैप से उसे गाड़ी को खोलना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि रास्ते में बंदूक मिलेगी, और वो एक्सीडेंट था। मैंने बंदूक को नहीं मारा, वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गई तो मर गई। एक्सीडेंट हो गया? मेरी बेटी को मारा है तुमने? आज आपने वो काम किया है जो पुलिस भी नहीं कर पाई। आप औरतों ने मिलकर एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ा है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपका शुक्रगुजार रहेगा। चलिए। चलिए। हमारा मन ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं उनके साथ खड़ी थी। मुझे पता था कि वो गुनहगार हो ही नहीं सकते अम्मा, वो अक्का को नहीं मार सकते। मुझे माफ कर दो कांडा। आप मुझे माफ कर दो मैम, प्लीज प्लीज, कभी दोबारा गुस्सा नहीं होना। आप सही सलामत घर वापस आ गए। हम लोगों की तो जान ही निकल गई थी पता है, लेकिन अब तो सारी गलतफहमी दूर हो गई। मीका, तुम्हें चोट कैसे लगी है? काफी लगी है, देखो कब लगी है चोट? छुट्टी, इसमें तो खून निकल रहा है। मुझे लगता है कि हम झाड़ियों में छुपे थे ना, शायद लग गए। छुट्टी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। चलो। मैंने सभी पड़ोसियों से पूछ लिया, मधु के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी बीमारी की हालत में कहाँ चली गई वो? तुम्हें कुछ कहा उसने? नहीं अप्पा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं तो घर पर था ही नहीं, मैं बच्चों को लेकर मंदिर गया था बंधु के लिए पूजा कराने के लिए। तो फिर कहाँ चली गई? मधु, मधु, मधु कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ चली गई थी? और तुम्हारा बुखार कैसा है? अम्मा कहाँ लेके जा रही हैं आप? तुम यहां क्यों आई हो? मैं कितनी बार कहा है कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तुम्हें कैसे बुलाया? मैंने ईशु को इधर लेकर आई हूँ। हम सब गलत थे, और अगर ठहरी हो मां, मैं किधर थी? मुझे किडनैप किया था,
ईशु मेहका और रूही ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं जिंदा हूं। और बाला, हमारी बंधु का एक्सीडेंट रमन ने नहीं किया था, रमन निर्दोष है। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? फिर बंधु का एक्सीडेंट किसने किया अगर रमन ने नहीं किया तो? निधि, हाँ माँ विश्वा, निधि ने बंधु का एक्सीडेंट किया और उसने मुझे भी किडनैप किया था। लेकिन अम्मा निधि ऐसा क्यों करेगी? भला उसका हमारे परिवार से क्या कनेक्शन है? मैं सब बताती हूँ, पर पहले तुम दोनों प्रॉमिस करो, ईशु और रमन के लिए अपने मन का डाउट निकाल दो। वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इनोसेंट है। रिश्ता।